ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मुकाबला के लिए यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर किया स्क्वाड की ऐलान। यहाँ पर फखर जमा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्तगु करते हुए कर दिया है यहाँ पर पूरा स्क्वाड का ऐलान। पहला T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या होने वाला है, स्क्वाड कौन कौन खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो पर। और एक ऐसे खिलाड़ी का एंट्री किया है फखर जमा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़े खड़े जड़ता है छक्का। तो कौन है वो खिलाड़ी, क्या होने वाला है स्क्वाड, बताएंगे पूरा खबर की जानकारी आपको इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी हमारे इस चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही घंटे के अंदर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला T20 सीरीज शुरू होने जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर स्क्वाड का ही ऐलान हो चुका है। ये दोस्तों यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर स्क्वाड की ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला T20 सीरीज से पहले आपको तो पता होगा इस सीरीज में दोनों टीम बेहतरीन तरीके से एक जीतने का जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर वर्ल्ड कप 2024 पर यहाँ पर आपको तो देखने को मिला था जो ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर जीतने का पास जाके यहाँ पर फाइनल में जाके भी हार गया। वाले ये अभी बात करें जब पाकिस्तान भी यहाँ पर सुपर 8 तक भी नहीं उठ पाया और उससे पहले ही यहाँ पर जो बाहर हो गया वर्ल्ड कप 2024 में से। तो दोनों टीमें यहाँ पर इस मुकाबला को, इस सीरीज को, पहले T20 सीरीज को दुआदारी प्रदर्शन करके एक बहुत ही बड़ा जीतने का कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर फखर जमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्तगु करते हुए यहाँ पर स्क्वाड की ऐलान कर दिया है। दोस्तों सबसे पहली नंबर जो खिलाड़ी है वो है पहली इमरान नज़ीर। साथ ही इमरान नज़ीर और फखर जमा दोनों ऐसे ओपनिंग करेगा पहले। साथ ही आपको तीसरे नंबर में हरीश रॉक नजर आने वाला है। साथ ही चौथे नंबर में मोहम्मद हरीश। साथ ही यहाँ पर जो मोहम्मद रिजवान का भी नाम देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर बाबर आजम को भी मौका मिला है। यहाँ पर नसीम शाह का भी यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है। नसीम शाह भी धुआंधार ही यहाँ पर गेंदबाजी से कोहराम मचाएगा। साथ ही साउथ शकील एक विस्फोटक बल्लेबाज का भी मौका मिला है। साथ ही सलमान अली अग्गा, मोहम्मद अमीर जो धुआंधारी गेंदबाजी से जाना जाता है, साथ ही शार्दुल खान। दोस्तों ये है पाकिस्तान का प्लेइंग 11 जो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 सीरीज में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन इन प्लेइंग 11 के अंदर अभी भी कुछ चेंजिंग करेगा खुद फखर जमा ने बताया है। कुछ खिलाड़ी का, नया युवा खिलाड़ी का अंडर 90 प्लेयर्स को एंट्री करवाएगा। तो उन खिलाड़ी का अभी तक नाम तो नहीं बताया दोस्तों। सबसे पहले वो नाम आप लोग भी जानना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब ही फखर जमा अंडर 90 प्लेयर्स को टीम में एंट्री करेगा सबसे पहले आप लोगों को बता देंगे वीडियो के जरिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी वो मूल्य समय देने के लिए।